गुजरात में युवा कांग्रेस के जरिए बेरोजगारी के खिलाफ कई दिन से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज गांधीनगर में युवा नेता श्रीनिवास की अगुवाई में धरना प्रदर्शन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, खासतौर से बेरोजगारी को लेकर, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस वहां पर पहुंची और उनको रोकने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। सबको गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के गाड़ियों में डाल करके पुलिस अपने साथ ले गई। देखिए ये वीडियो और इस पूरी रिपोर्ट में। Come on!
करिए करिए गुजरात का युवा जो पुलिस ने कार्यक्रम का काम किया और साथ साथ में ये सरकार कितने आप लोग ने पुलिस को ही करेगा तानाशाही करेंगे गुजरात के गांधीनगर में पुलिस और यूथ कांग्रेस के नेताओं के बीच भीषण झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में हार्दिक पटेल और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी मौजूद थे। दरअसल यूथ कांग्रेस ने गुजरात में बेरोजगारी, पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधीनगर में भी श्रीनिवास और हार्दिक पटेल के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हाथापाई भी हो गई। यूथ कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, आज गुजरात की सड़कों पर युवाओं का हुजूम है। बेरोजगार युवा पेपर लीक समस्या से पूरी तरह टूट चुका है, अब जंग होगी। गुजरात के युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने आगे लिखा, 2014 जीपीएससी चीफ ऑफिसर पेपर लीक, 2015 पलाटी पेपर लीक, 2016 मुख्य सेविका पेपर लीक, 2017 तलाई और टेट पेपर लीक, 2019 बिन सचिवालय क्लार्क परीक्षा पेपर लीक, 2021 हेड क्लार्क परीक्षा पेपर लीक, 2022 ऊर्जा विभाग की भर्ती में पेपर लीक। गुजरात के शिक्षित युवाओं का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर गुजरात में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।